सारे शन तो ढाए तो कुली तो छपरी तो ही उन्होंने जन्म लिया अज रंगले बह लिया। जे पिपलदास सरवणदास जी बठिंडा गैलपत्ती तो इतने दुआबे च आए आते उन्होंने भी पहला आके कुली तो शानी बनाई। जेकर चौड़ा वाले महापुरुष संत बाबा ज्ञान सिंह जी जेकर वो आए उन्होंने मेन गेट देखा कुटिया संत बाबा प्रसत सिंह जी और वो भी कुल तो कुली तो छन तो वो बड़ा गुरु कर बने और जेकर व्यास डेरा और वो भी छन तो ढाले तो कुली तो आया और जेकर डेरा ढाई सारी है और वो भी एक छन तो ढाले तो कुली तो भाव जिन्हें भी महापुरखों ने स्थान ने और छन तो ढाले तो कुली तो ही कपड़ी तो उन्होंने भक्ति भाव की इबादत की है और जिदा का तुम उन्होंने महापुरखा गुरखा के साथ पूजन दिता और जिदा दिन तुम सेवावान पाइया महापुरखा ने कहे मे प्रदान करके और उन्होंने दिता है। तो महापुरखा का भी सारे का धन्यवाद है और ये डेरा छोटा आ जा डेरा बड़ा आ इसकी कोई गल नहीं, संगत थोड़ी आ जा बहुती है इसकी कोई गल नहीं, संत की एज पा उम्र वो छोटी है या वड्डी है इसका कोई फर्क नहीं, कोई तगादा नहीं। संतां दा शरीर है वो मोटा आ तकड़ा आ डाढ़ा आ और दुबला आ पतला आ गोरा आ काला आ भाव इहदे नाल कोई मकसद नहीं, भाव जदों बाग दे बगीचे दे विच बाग दे बगीचे दे विच संत रूपी बाग के बगीचे च जो ये कट्ठे होते ने खिड़ते ने तो फुलवाड़ी टैकती महकती है तो सुगंधी दिखती है। हम बाग के बच्च नाना प्रकार के फुलों के बूटे ने पर सारा का मेन मकसद एको ही है कि चाहे कोई गुरमुख है तो चाहे कोई मनमुख है तो चाहे कोई जीदा आ चाहे कोई मर गया आ इन्होंने महापुरखा ने सारिया नाम रूपी सुगंधी देनी है और ये आपो अपनी जगह पर सारे रिस्पैक्ट लैवल आ सन्मान योग है और एक दूसरे तो अगे आधे है। इस बारे फैसला गुरु साहबान ने बाणी के अंदर बख्शिश किया है और उन्होंने बाणी के राही संबोधन किया क्योंकि दास ने कहा कि मैं उम्र का भी मर्यादा ध्यान दो सतगुरु बाणी राही कहते ने नाम जपो जी हर ऐसे ऐसे कि गुरु लोग फरमा रहे हैं सतगुरु फरमा रहे हैं बाणी राही की कह रहे हैं नाम जपो जी हर ऐसे ऐसे दोबारा फिर रिपीट करो सारे मिला के भाई नाम जपो जी हर ऐसे और कितना दोबारा फिर करिए नाम जपो जी हर ऐसे ऐसे तू पहनावार जपे हो हर जैसे उन्होंने नाल ही फैसला दिता बाणी राही ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂਮ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਧਰੂਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ
ਸਵਾਸਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਦਸ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ